Today we are going to see our 2019 UPSC prelims GS paper analysis. Screen visible है? अब हम क्वेश्चन वन बाय वन देखते जाएंगे. क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, आंसर गेस करने की कोशिश करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर वन, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार. ओके, हमने मनसबदारी सिस्टम पढ़ा था, मनसबदारी सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, वो लेकर आए थे. ये हेरिडेटरी नहीं थी, बाय मेरिट इसमें था. लेकिन देखो, मनसबदार में ऐसा था, कुछ लोगों को सैलरी दी जाती थी, कुछ लोगों को जागीर दी जाती थी. इतने 10 विलेज आपके, 15 विलेज आपके, 50 विलेज आपके, और वो प्रोपोर्शन में आपको आर्मी मेंटेन करना था. एक बात ये हो गई. फिर इसके बाद उनका हर 5 साल को, 10 साल को ट्रांसफर होता था, जागीर ट्रांसफर होते रहेंगे. ये थे, तो इनको कहते थे वतन जागीर. एक तनखा जागीर, तनखा मतलब सैलरी मिल रही है, वतन मतलब लैंड. फिर उसके बाद एक और कैटेगरी थी जमींदार. जमींदार ये क्या थे? हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड्स. ओके, कोई एक बड़ा आदमी है वो रीजन का. सपोज वो, उसने क्या किया, मुगल की सॉजर्निटी, मुगल किंग को अपना हेड माना. ओके, और फिर मुगल क्या कहते थे कि ठीक है, आपका हम लैंड वैंड कुछ नहीं लेंगे, आप बस हमको इतना इतना अमाउंट दिया करो, हर साल इतना रिवेन्यू हमको दिया करो, आपका लैंड आपका ही रहेगा, आपकी पावर पहले जैसी थी वही रहेंगे. तो जो हेरिडेटरी थे उनको जमींदार कहते थे, याद रखना. जमींदार को क्या था, रेवेन्यू भी मिल रहा है और वहां का लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन का पावर भी जमींदार का. लेकिन जो जागीरदार थे, जागीरदार में क्या था, आपको बस रिवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरा दूसरे ऑफिसर जो मुगल्स के थे वो, मतलब उनका पावर रहेगा, ठीक है? तो ये चीज समझ लेना. तो अब स्टेटमेंट वन पढ़ो. इसने क्या किया है यहाँ पर, स्वैप किया है. ये चीज समझ लेना. ऊपर जमींदार रहना चाहिए और नीचे क्या रहना चाहिए, जागीरदार. जागीरदार बस क्या था उनको, रेवेन्यू कलेक्शन, दूसरे कोई काम नहीं. और जमींदार, रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल, पुलिस डू. ओके, ये गलत होगा. दूसरा, हाँ, लैंड असेंबली टू जागीरदार वेर हेरिडेटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वेर नॉट हेरिडेटरी. यहाँ पर भी क्या किया उसने, स्वैप किया. जमींदार हेरिडेटरी और जागीरदार नॉन हेरिडेटरी. आंसर यहां पर आएगा डी, नेदर वन नॉर टू. ओके, ये जो मनसबदारी सिस्टम थी, वाज इट इंडिजिनस, इंडिया की थी या हमने बाहर से इंपोर्ट किए थे इसको? ये जो सिस्टम थी मंगोलिया से लेकर आए थे और अकबर के पीरियड में आई थी. अकबर, मंगोलिया, मनसबदारी, ऐसा लिखकर रख लेना अपने नोट्स में. ओके, इसी तरीके से इससे पहले दिल्ली सल्तनत में एकता सिस्टम थी. ओके, और एकता सिस्टम में क्या था, देखो सेम मनसबदारी जैसा ही उसका पैटर्न है, लेकिन वहां पर मनसबदार थे, यहाँ पे एकतादार, एकतादार या मुक्ति उसको कहते हैं, उसका जो एकता का हेड रहेगा. एकता मतलब वही, कुछ विलेजेस दिए जा रहे हैं आपको, लेकिन इसमें पावर ज्यादा थी, रेवेन्यू मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, पुलिस और जुडिशियल जो ड्यूटीज है ना, वो पूरी पावर भी रहती थी. तो मतलब लाइक एकता इज लाइक जमींदारी, याद रखना. क्वेश्चन नंबर टू, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अभी लैंड रिफॉर्म्स जो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस अपनाए थे, क्योंकि क्या हुआ था, ये जमींदारी सिस्टम वगैरह, इसकी वजह से बहुत कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड था. तो लैंडलेस जो लेबर वर्कर्स थे, एग्रीकल्चर लेबर, उनको भी लैंड देने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए. तो यहाँ पर देखो, द सेलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स. सेलिंग लॉज मतलब एक लिमिट रहती थी, इतना ही आप लैंड, ज्यादा से ज्यादा ये रख सकते. तो उसमें फैमिली भी था, इंडिविजुअल भी था, दोनों के लिए भी थी लिमिट्स. ओके, बी, मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म वॉज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस. ओके, देखो जनरल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है. थर्ड रीड करो, इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन. लैंड रिफॉर्म्स का और कैश क्रॉप का क्या संबंध,
कैश क्रॉप ये अलग चीज है अपने पे, वो तो मार्केट पे वगैरह डिपेंड करेगा। डी लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सेलिंग लिमिट्स। देखो सेलिंग लिमिट्स मतलब जो ज्यादा कितना क्वांटिटी में लैंड रख सकते, एग्जेम्पशन रहा करते थे। ओके वो टाइम पे मतलब जैसा ट्रस्ट वेस्ट है तो उसको कुछ लिमिट ज्यादा होगा, या फिर कोई प्रिंस वगैरह वो टेम्परेरी लिस्टेड्स थे तो उनको कुछ कंसेशन होंगे, तो ऐसा हो सकता। आंसर यहाँ पे आएंगे हमारा बी। ठीक है, पढ़ना है जो ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको टिक करना है, इसी तरह से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है या फिर हट के बहुत ही है उसको इलिमिनेट कर दो, आंसर आपका आ जाएंगे। दो स्टेटमेंट लैंड रिफॉर्म बहुत सक्सेसफुल हो गए थे, एक था वेस्ट बंगाल, दूसरा था केरला, क्योंकि यहाँ पर क्या थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट का वही रहता है मतलब वो रिडिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा ध्यान देता है। ओके नेक्स्ट, इसका जवाब आप दे सकते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, ओके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। IMF क्या पब्लिश करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ओके इसका ही एक भाई रहता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ओके यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अनकटाड जिसको कहते हैं, ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वहां पर लिखा भी गया है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देन वर्ल्ड बैंक का तो अभी हमने देख लिया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, WEF के और तीन चार रिपोर्ट है उसको थोड़ा सर्च करके एक पेज पे नोट में लिख लो। ओके वो इंपॉर्टेंट है WEF के रिपोर्ट। ओके अब आगे आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लक्ष्मीकांत का चैप्टर वन। ओके इसमें पूरे चार्टर एक्ट दिए गए हैं, इसको बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ये हमेशा भूले जाएंगे चैप्टर, इसके जो प्रोविजन है ना सब याद नहीं रखना है, दो तीन प्रोविजन। लक्ष्मीकांत में अगर आपको डाउट हो रहा है कि समझ में नहीं रहा है क्या कौन सी चीज पे फोकस करना है किस पे नहीं, तो उसका PDF भी ड्राइव पर अपलोडेड है, ड्राइव की जो मैं लिंक भेजता हूँ हमेशा स्टडी मटेरियल वाली, तो उसमें प्रीलिम्स UPSC प्रीलिम्स GS1 में शायद है फोल्डर में। ओके तो वो देख लेना, नहीं समझ में आ रहे तो उसको बस एक मैसेज कर दो उस पर ग्रुप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, तो उसमें हाईलाइट की हुई PDF अपलोडेड है लक्ष्मीकांत। ठीक है 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट हम पढ़ते हैं, उसने क्या किया था, ट्रेड मोनोपोली एंड की थी, एक्सेप्ट ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, ये दोनों के अलावा बाकी ट्रेड मोनोपोली, और 1833 में पूरी खत्म की जाती है, याद रखो। सेकंड, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी, हो सकता है सही होगा, एक तो सही श्योरली पता है हमको, दो भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखते हैं अभी। थर्ड, रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके तो यहाँ पर देखो ऐसा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं था, थोड़ा सा एक्सट्रीम है, और वन एंड टू थे स्टेटमेंट। ओके थर्ड का एग्जैक्ट तो मुझको तो अभी याद नहीं आ रहा है, थर्ड में क्यों रॉन्ग है, पर थोड़ा सा एक्सट्रीम है, शायद आगे चल के आया होगा 58 में वगैरह 53 में वगैरह हो सकता है। ओके इसको तुम चेक कर लेना, फिर वन और टू तो अपना सही है, याद रखना। इसी तरीके से 1830 में और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए थे, जैसा कि मिशनरीज वेर अलाउड, मिशनरीज को अलाउ किया गया था, क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह। फिर दूसरी बात, एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज ग्रांट अलाउ किया गया, ये याद रखो इंपॉर्टेंट है, 1813 वाला जो एक्ट है उसमें 1 लाख रुपीज अलाउ कर दिया, फिर 1833 वाला जो एक्ट रहता है उसमें 10 लाख रुपीज। ओके फिर इसके बाद 1835 में, ये मैं एजुकेशन का डेवलपमेंट बता रहा हूँ, 1813 1 लाख, 1833 10 लाख, 1835 में मैकॉले मिनट आता है, वो क्या बोलता है हम पूरा एजुकेशन इंग्लिश में देंगे। ओके मैकॉले मिनट ये हो गया, मैकॉले के बाद वुड डिस्पैच आएगा 1854 में, वुड डिस्पैच के बाद 1857 में यूनिवर्सिटीज बनते हैं, मुंबई कोलकाता और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई जाती, तीन यूनिवर्सिटी। ठीक है 1857, अच्छा फिर से बताओ 1813 में 1 लाख रुपये ग्रांट, 1 लाख रुपये आपको एजुकेशन के लिए मिल रहा है, 1833 में 10 लाख, ओके 1835 में मैकॉले मिनट, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वो एक्सेप्ट करता है। ओके 1854 में वुड डिस्पैच आता है,
वुड डिस्पैच बोलेगा नहीं, जो लोअर लेवल है वहां पे क्या रखो, और जो लोकल लैंग्वेज है एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, मदर टंग, उसको उसमें प्रमोट करो, हायर एजुकेशन में इंग्लिश रखो। फिर यूनिवर्सिटीज बनाए जाते हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, तीन जगह पे। इसके बाद देखो और क्या होता है, बाद में 1882 में हंटर कमीशन आता है, ये मतलब प्राइमरी एजुकेशन को रिफॉर्म करने के लिए बिठाया जाता है, हंटर कमीशन। फिर इसके बाद 1902 में फ्रेजर कमीशन कुछ आता है, रैले कमीशन, 1902 रैले कमीशन, कर्जन की परेड, और उसके बेसिस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 आता है। इसमें क्या करते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में यूनिवर्सिटी के एक सीनेट रहती है, जो गवर्निंग बॉडी रहती है, उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ाए जाते हैं ताकि यूनिवर्सिटीज पे कंट्रोल रहे ब्रिटिश का, ठीक है, 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। उसके बाद क्या होता है, सैडलर कमीशन आता है 1917 में, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी को रिफॉर्म करने के लिए, सैडलर कमीशन। फिर ऐसा ही एक बाद में 1930s में राधाकृष्णन कमीशन आएगा, जो नई तालीम, जो गांधी जी का था एजुकेशन, वो बेस पे रहता है, राधाकृष्णन कमीशन। और इसके बाद ये 30s में 38 कुछ है शायद उसका। और उसके बाद 1944 में सर्जेंट प्लान आता है, सर्जेंट प्लान, ओके, नाम लिख लेना बस। स्पेक्ट्रम की जब आप बुक देखोगे तो उसमें एक चैप्टर ही है एजुकेशनल डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो चीज आप समझ लेना वहां से। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से हमको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपना हमारा आंसर आएगा 1 and 2 ओनली, ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये तो मैं आपको एजुकेशन का बता दिया, ऐसा ही प्रेस का डेवलपमेंट रहता है, प्रेस वाला आप इसको नोट्स निकाल के रख देना। स्पेक्ट्रम में एक एक चैप्टर है, प्रेस का डेवलपमेंट, जुडिशियरी का डेवलपमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन सिविल सर्विस है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ओके, वर्कर पीजेंट मूवमेंट ये कैसे इवॉल्व हो गए, ट्रेड यूनियंस वगैरह। फिर इसके बाद कुछ बस इनलिस्ट करना रहता है, पीजेंट के रिवोल्ट्स और सिविल अपराइजिंग्स, इनके एक शॉर्ट शॉर्ट एक एक पेज पे, दो दो पेज पे बस नाम और कब था, रीजन क्या था, इतना भी लिख दिए तो काफी, ओके, तो इसको करना है। मॉडर्न में इंडिया स्पेक्ट्रम में हर एक पे एक एक चैप्टर दिया गया, तो आप वहां से कर सकते। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, ओके, स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर पूछा है, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिशन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। ये हुआ था क्योंकि इसका नारा क्या था, स्वदेशी का नाम में स्वदेशी, अपने अपने डोमेस्टिक लोकल इंडस्ट्रीज को क्या करना है, प्रमोट करना है, स्वदेशी बहिष्कार बायकॉट, ये सिंगल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टेब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, एजुकेशन भी ये मूवमेंट का एक कंपोनेंट था, और यूरोपियन सिस्टम पे डिपेंड नहीं करना था, अपने खुद का डेवलप करना था, इसलिए इसको लाया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, याद रखिए। तो यहां पर आता है आंसर बोथ 1 and 2। इसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी कहते हैं, स्वदेशी मूवमेंट को ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहते हैं, ओके। और ये बंगाल रीजन के लिए, मतलब ज्यादा तो बंगाल रीजन में ही थी, ओके। इसके बाद देखो जो लोअर कास्ट मूवमेंट रहते हैं ना, उस पर एक क्वेश्चन जनरली आता है, लोअर कास्ट, तो उसमें महात्मा गांधी का एक हरिजन सेवक संघ है, बाबा साहेब अम्बेडकर का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, फिर इसी तरीके से हमारे एक नारायण गुरु थे, उनका वो क्या कहते थे, वन रिलीजन वन गॉड वन कास्ट, ओके। इसके बाद ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, राम स्वामी नायकर इनकी थी। तो यहाँ पर वैसे क्वेश्चन पूछा है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, इसका ही मतलब हिंदी में नाम था हरिजन सेवक संघ, ओके। तो ये था महात्मा गांधी का फर्स्ट पेयर सही है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को ही हरिजन सेवक संघ कहते हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ये 1936 में बनता है, याद रखना, और इसके जो प्रेसिडेंट थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, और सेक्रेटरी कौन थे, एनजी रंगा, ओके, याद रखो ऑल इंडिया किसान सभा एनजी रंगा। इसके बाद ठीक है,
उस साल उसका सेशन होता है, फर्स्ट सेशन लखनऊ में होता है ऑल इंडिया किसान सभा का, ओके और शायद कांग्रेस का सेशन भी लखनऊ में होता है पर अलग अलग जगह पे होते हैं। लेकिन जो AIKS का जो दूसरा सेशन है वो और कांग्रेस का सेशन उस साल का फैजपुर में होता है, लेकिन वो भी 36 के एंड में होते हैं, याद रखना 36 में कांग्रेस के दो सेशन हुए हैं, ठीक है। और जो फैजपुर वाला सेशन था दोनों का कॉमन सेशन था और वो AIKS का सेकंड सेशन था और उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, याद रखो। यहाँ पर आंसर होगा हमारा 1, 2, 3, तीनों भी सही है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट रामस्वामी ने कहा, इनको ही पेरियार कहा जाता था, पेरियार इन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर भी लाए थे कुडी आरासू और तमिल वीकली मैगजीन पब्लिश बाय पेरियार मद्रास प्रेसिडेंस, कुडी आरासू नाम याद रखो न्यूज़पेपर। इसके बाद देखो, अच्छा ऊपर और क्या था मूवमेंट AIKS, हाँ कांग्रेस के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मॉडल स्पेक्ट्रम में एंड में लिस्ट दी है कांग्रेस सेशन ईयर प्रेसिडेंट, तो वो थोड़ा सा बार बार पढ़ा करो उसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, चन्नूदारो तो ये तो पता है हमको है, कोट दीजी ये भी है, सोहगाड़ा एंड देसालपुर, अभी नीचे के तो थोड़े से नॉट वेल नोन है पर याद रखो सोहगाड़ा जो है ना ये अशोका की पीरियड की साइट है, अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है सोहगाड़ा, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, ओके वो टाइम पे फेमाइन आया था तो अशोका ने कुछ मेजर्स लिए थे और वो लोगों ने बफर स्टॉक वगैरह ये सारे बनाए थे, तो उसका मेंशन हो सोहगाड़ा कॉपर प्लेट में कि क्या मेजर्स लिए गए ग्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों के लिए, सोहगाड़ा फेमाइन रिलीफ वर्क, ओके 7। तो जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस है ना, मेजर रॉक एडिक्ट माइनर रॉक एडिक्ट और मोनोलिथिक पिलर्स वगैरह, ये हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं, उसको एक बार रिवाइज कर। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इज अरण्य अशोक किंग अशोका मेंशन अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, अशोका का स्टोन पोर्ट्रेट भी है उसका स्टैचू है और साथ में अरण्य अशोक ऐसा नाम भी मेंशन है, कंगनहल्ली सांची शहबाजगढ़ी सोहगाड़ा, तो इसमें याद रखो कंगनहल्ली इसका रीजन है नाम है, अशोका कब था 250 to 230 कुछ ऐसा था, और ये जो कंगनहल्ली साइट है सातवाहना साइट है, सातवाहन भी थे कर्नाटक रीजन की साइट है और अशोका का इंस्क्रिप्शन भी है वहां, सातवाहन और अशोका बोल सकते कंटेम्पररी थे क्योंकि सातवाहना 250 BC टू 250 AD थे, ओके तो कंगनहल्ली में रानी अशोक ऐसा नाम लिखा गया है। इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जो माइनर रॉक एडिक्स है माइनर पिलर एडिक्स, अशोका का जो नाम है वो सिर्फ माइनर रॉक एडिक्स में मेंशन है, ऐसे चार जगह पे है, जनरली जो अशोका था उसको मतलब ऐसा लिखा जाता कि देव नाम पिया ऐसा लिखा जाता था, अशोका का नाम मेंशन नहीं था लेकिन चार जगह पे देव नाम पिया अशोका ऐसा लिखा है, तो उससे पता चला कि देव नाम पिया क्या है अशोका है, तो ऐसे कुछ साइट है जैसा मस्की ब्रह्मगिरी और एक नेत्तूर और गुर्जरा, ऐसे कुछ चार लोकेशन है मस्की ब्रह्मगिरी नेत्तूर और गुर्जरा ऐसे कुछ चार साइट हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो महायाना और हीनयाना दो सेक्ट हैं बुद्धिज्म के, ओके हीनयान मतलब क्या है, ये एकदम बेसिक प्रिंसिपल जो थे बुद्धिज्म रिलीजन के उसको एडहेर करके चलेंगे, ओके ये लोग मतलब एकदम एसेटिज्म और वर्ल्डली मटेरियलिज्म से वगैरह दूर रहेंगे, महायाना क्या है ये बाद में आया स्कूल, और ये लोग क्या करेंगे बुद्धा का वर्शिप करेंगे, बुद्धा का आइडल बनेंगे उसकी वर्शिप करेंगे, बोधिसत्व जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बुद्धाज हैं उनका भी वर्शिप करेंगे, ओके और ये लोग गोल्ड वगैरह एक्सेप्ट करेंगे लैविश लाइफस्टाइल वगैरह
ये सब चलेगा इनको। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा महायान बुद्धिज्म का फीचर है। ओके, तो देखो, डेफिकेशन ऑफ बुद्धा, डेफिकेशन मतलब डेटी एज अ वर्शिप करना, सही है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व के पाथ पे चलना, अमल करना, सही है। इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ओके, अब इसको देखो, 2020 में फॉलो अप क्वेश्चन हुए, कुछ सेक दिया और बोला इसमें से हीनयान का कौन सा है, महायान का कौन सा। तो ये आपका होमवर्क है, महायान के सेक्ट और हीनयान के सेक्ट, इसको थोड़ा सा देखकर लिख लेने का अपने नोट्स में, महायान के कुछ सेक्ट और हीनयान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू फोर्स लेबर विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, विष्टि वो टाइम पे क्या था, फोर्स लेबर था। तो यहां पर चार स्टेटमेंट दिए, देखो बस पढ़ना है हमको, एक्सट्रीम वाला इलिमिनेट करना है। सपोज ए को बाद में पढ़ेंगे, पहले बी पढ़ो। इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़ रीजन ऑफ गुप्ता एम्पायर, टोटली एब्सेंट बोल रहे हैं, एक्सट्रीम है निकाल दो। द फोर्स लेबर वॉज इंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, देखो रेगुलर सैलरीज अभी भी नहीं मिलते अपने इंडिया में, वो टाइम की तो बात ही छोड़ देना, वीकली वेजेस वगैरह, ठीक है। तो ये भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डी, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबरर वॉज सेंट एज अ फोर्स लेबरर, ऐसा कुछ रूल नहीं था, सबको ही काम करना रहता था, फोर्स लेबर मतलब पूरी फैमिली आ गई। ओके, तो तीन इलिमिनेट होते हैं। अब ये पढ़ो, इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, मतलब अभी जैसा कैश वगैरह लिया जाता है टैक्स बोलते, तो वो टाइम पे टैक्स मतलब क्या था, आपको इतना इतना काम करना है गवर्नमेंट के लिए, ये काम करना है आपको, फोर्स लेबर। तो विष्टि क्या था, फोर्स लेबर था, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बिल्डिंग कल्याण मंडपा वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ द किंगडम ऑफ, कल्याण मंडप, विजयनगर जब पढ़ते ना बार बार आता, टेम्पल के सामने क्या है, ऐसा हॉल रहता है, वहां पर कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, डांस ड्रामा वगैरह। ओके, तो याद रखना विजयनगर में क्या था, कल्याण मंडपा। ओके, विजयनगर पे एक पूरा चैप्टर ही है थीम्स टू एनसीईआरटी में, तो वहां के कुछ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर स्टाइल्स हमको पता रहने चाहिए। जैसा कुछ लोकेशन नाम है, हम्पी है, एक साल मैच द पेयर में पूछा गया, रिवर और सिटी दिया था, हम्पी किस रिवर पे है, तुंगभद्रा, उसमें दिया मलप्रभा। ओके, तो गलत होगा। फिर इसी तरीके से देखो, हम्पी को सेवन वॉल्ड फोर्टिफिकेशन था और वहां पर बहुत सारे विजिटर्स आए थे, अब्दुल रज्जाक वगैरह, ये चीजें पता रहना। इसी तरीके से कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स है वहां पे, एक है लोटस महल है। ओके, लोटस महल एक बहुत ही एक बिल्डिंग है अच्छी, तो वो है हिरिया कैनल, कैनल बनाया गया था वहां पे, हिरिया कैनल उसका नाम है। ओके, और दो तीन कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा आप उसको देख लो। टेम्पल भी एक विरूपाक्ष टेम्पल बोल रहे, विरूपाक्ष टेम्पल शिवा का टेम्पल है, दो जगह पे, एक तो वहां पर भी है विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में, और दूसरा है एक आईहोले बोल के कर्नाटक में जगह है, वहां पर भी विरूपाक्ष टेम्पल, याद रखो। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, देखो एडमिनिस्ट्रेशन पे फिर से क्वेश्चन पूछा गया, जैसा पहले इससे पहले हमने देखा जागीरदार का, अब दूसरा क्वेश्चन, इन द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल, रिवेन्यू जो जमा करता था आमिल था, सही है आमिल कहते थे। द एकता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशंट इंडिजिनस सिस्टम, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले मनसबदारी देखा था, मंगोलिया से लाया गया, इसी तरीके से एकता सिस्टम भी जो था ये अरब से लिया गया था, अरब वेस्ट एशिया से, इट वॉज नॉट इंडिजिनस। थर्ड, ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली, मीर बख्शी तो देखो खलजी में नहीं आया, कब आया, मुगल ईरा में, अकबर लेकर आता है मीर बख्शी की पोस्ट। ओके, दिल्ली सल्तनत में वजीर की पोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो टाइम पे वजीर था सबसे बड़ा ऑफिसर, और अकबर के पीरियड में, मुगल्स के पीरियड में मीर बख्शी,
वीरभक्षी मतलब आज के जमाने में कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हैं, ओके, कैबिनेट, सॉरी कैबिनेट सेक्रेटरी, व्हाटएवर, ये पूरा सैलरीज वगैरह डिटरमाइन करता था, ट्रांसफर प्रमोशन वगैरह सब उसके हाथ से होते थे। तो यहाँ पर आएगा आंसर टू, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। देखो वो एक ट्रेंड क्या है, भक्ति और सूफी मूवमेंट के जो सेंट है हमारे, उनको लेता है एक साइड और दूसरे साइड किंग का नाम लेता है, और क्या बोलता है, दोनों कंटेप्रेरी थे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, जो इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट है, सूफी सेंट है, उनके अप्रोक्सीमेट सेंचुरी पता रहना चाहिए, ईयर नहीं सेंचुरी, कब कौन से सेंचुरी में था। जैसे यहाँ पे पूछा गया, सेंट निर्बार का वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, सेंट निर्बार का कब थे, 12th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में, और अकबर कब था, 16th सेंचुरी में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दूसरा, सेंट कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सरहिंदी। देखो सेंट कबीर जो थे ये 14th और 15th सेंचुरी में थे, सॉरी 15th और 16th सेंचुरी, मतलब 1450 से 1550 के बीच में, और जो शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये कंटेम्पररी ऑफ अकबर थे, आपको पता रहेगा, उन्होंने अकबर के वो सुलेकुल, इसको जो अकबर दीन इलाही को वगैरह अपोज किया था, नक्शबंदी सिलसिले के थे, तो इन्होंने अपोज किया था अकबर को। तो अकबर कब था, सेकंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी, बैटल ऑफ प्लासी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, उसके बाद से। तो ये दोनों भी कंटेम्पररी नहीं है। देखो भक्ति मूवमेंट के रिगार्डिंग उसके जो मैक्सिमम सेंट है वो 1450 to 1550 इसके बीच में, आप थोड़ा तो लिख सकते 1450 to 1550। अब इसमें कौन कौन है, संत कबीर है, गुरु नानक है, तुलसीदास है, चैतन्य है, शंकर देवा ऑफ आसाम, मीराबाई, रविदास, शंकर देवा ऑफ आसाम, मीराबाई, रविदास, फिर गुजरात में एक नरसिंह मेहता बोल के थे, ओके। तो ये सारे के सारे कंटेम्पररी है। साथ में वो टाइम पे जो किंग रहेंगे 1450 से 1550 के बीच में, लाइक इब्राहिम लोदी, बाबर, फिर कृष्णदेव राय, ये सब कंटेम्प्रेरी है। बाबर, कृष्णदेव राय कंटेम्प्रेरी थे, बाबर इब्राहिम लोदी कंटेम्प्रेरी थे, ओके। तो इसका आंसर है हमारा नेदर वन नॉर टू। इसके बाद जो भक्ति सेंट है, स्क्रीन में देखो, इनके अपने अपने अलग अलग फिलोसॉफी दिए थे। तो सबसे पहले शंकराचार्य आए थे, शंकराचार्य ने क्या कहा, अद्वैता फिलोसॉफी, अद्वैत, आफ्टर डेथ जो सोल रहती है वो यूनाइट होती है ब्रह्मा से, मतलब तो खुदा से जाके सोल, रूह मिल जाती है, उसको कहते हैं अद्वैता। अद्वैता मतलब दो नहीं, दो नहीं मतलब एक, उसको ही नॉन ड्यूअलिज्म कहते हैं या फिर मोनोइज्म कहते हैं। शंकराचार्य का क्या था, अद्वैता और मोनोइज्म। इसके बाद आते हैं रामानुज, रामानुज इनका क्या था, विशिष्ट अद्वैत या फिर क्वालिफाइड मोनोइज्म। आफ्टर डेथ क्या होती है, सोल ब्रह्मा से मिल जाएंगे लेकिन अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी वो मेंटेन रखती है, लाइक पानी में कलर मिक्स कर रहे हैं तो कलर तो मिक्स हो जाता है पर थोड़ा सा पानी मतलब अपना उसका अलग से एग्जिस्टेंस भी रहता है, ये बोलता है क्वालिफाइड मोनोइज्म। इसके बाद तो थे निम्बार का, आए थे निम्बार का, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था इनका था द्वैता अद्वैता, नाम याद रखो बस, द्वैता अद्वैता। और इसके बाद आते माधवा, उनका था द्वैतवाद, मतलब ड्यूअलिज्म, ब्रह्मा और सोल डिफरेंट है, माधवा क्या कहेंगे, ब्रह्मा और सोल डिफरेंट है, तो इसको याद रखो, बार बार पढ़ो, और इसके आगे आपका काम क्या है, उनका सेंचुरी ऐड करके रख दो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हुआ तो आपको आसान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर। ये सही था, अफ्रीका में गए थे ना, वो टाइम पे एग्रीमेंट करा के
लेबर्स को ले जाया जाता था बाहर, उसको इंडेंचर्ड लेबर कहते थे। तो महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ वहां पे आवाज उठाई थी, फिर बाद में अबोलिश होता है, याद रखो। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस, महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रिजोल्यूशन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हमको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब आए थे, 1919। तो वो टाइम पे कौन सा वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर वन। तो गांधी जी ने सपोर्ट किए थे कि अपोज किए थे वर्ल्ड वॉर वन को, क्या बोलते थे, इंडियंस लोगों ने ब्रिटिश के साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये क्या बोल रहे हैं, नॉट सपोर्ट, तो ये रॉन्ग होगा। इतना ही नहीं, गांधी जी वर्ल्ड वॉर टू में बोलते थे कि ब्रिटिश का साथ देना चाहिए, ओके, तो ये याद रखो। थर्ड, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉर्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय कॉलोनियल रूलर्स। सॉर्ट लॉ की कब ब्रीच किए थे हमने, सॉर्ट लॉ 1930 में, मूवमेंट कौन सा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जब सॉर्ट लॉ ब्रेक किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो आईएनसी को इलीगल किया जाता है, याद रखो, ये सही है। स्टेटमेंट आंसर आएगा बी, वन एंड थ्री। फिर इसके बाद क्या होता है, गांधी एरविन पैक्ट होता है, बाद में गांधी जी बोलते हैं हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाएंगे, तो वो पैक्ट में फिर कांग्रेस के ऊपर का बैन हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस टू आयंस इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। तेज बहादुर सप्रू ये प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, तीनों भी बहुत ही फैक्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन में आता है तो करना है, नहीं तो स्किप करना है। ऑल द थ्री पेयर्स हियर करेक्ट है, जस्ट रीड कर लो। तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, के सी नियोगी मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली, पी सी जोशी जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तीनों भी सही है। ओके, आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ दिस। तेज बहादुर सप्रू ये और एक चीज से रिलेट मतलब न्यूज में रहते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट था, इनके अंडर में एक प्रेस कमीशन बनाया गया था 1921 में, और उसके जरिए प्रेस के ऊपर के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटाए गए थे, प्रेस कमीशन, तेज बहादुर सप्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, with reference to Mia Tansen, which one of the following statement is not correct? ध्यान से पढ़ो, not correct बोल रहा है, wrong statement हमको पहचानना। Read the first statement. Tansen was the title given to him by Akbar. देखो Mia Tansen, इसमें से जो Mia title है वो अकबर ने दिया था, और जो Tansen title है आपके बाजू में लिखा है, Tansen title was given by Raja Vikramajit of Gwalior. विक्रमाजीत राजा ग्वालियर, इन्होंने दिया। इसका बी, तानसेन कंपोज ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस, किए होंगे है ना ध्रुपद, और ये हिंदुस्तानी घराने से थे, याद रखना, तानसेन हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, दो क्लासिकल म्यूजिक है, एक हिंदुस्तानी दूसरा है कर्नाटिक, तो तानसेन हिंदुस्तानी। थर्ड स्टेटमेंट, तानसेन कंपोज सॉन्ग्स ऑन हिज पैट्रॉन्स, पैट्रॉन मतलब जो उनको पैट्रोनेज दे रहे हैं, जैसे अकबर पे कंपोज करेंगे और दूसरे जो किंग्स पे। तानसेन इन्वेंटेड मेनी रागास, तो ये भी सही है, तो यहां पर आंसर आएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड इम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू द एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। इलस्ट्रेट मैन्युस्क्रिप्ट मतलब बहुत बड़े पेंटिंग रहते थे, ओके, और पोर्ट्रेट पेंटिंग मतलब बस ऐसा एक पोर्ट्रेट, छोटी सी पेंटिंग रहेंगे, इतना तक नहीं, इतना साइज रहेगा, इस पे पेंट करेंगे, ओके, उसको पोर्ट्रेट पेंटिंग कहते थे। तो पोर्ट्रेट पेंटिंग जहांगीर के पीरियड में फेमस हो गया था। इसी तरीके से क्लासिकल एज ऑफ पेंटिंग जहांगीर को कहते हैं, ओके, सबसे ज्यादा पेंटिंग का डेवलपमेंट जहांगीर के इसमें हुआ था, और जहांगीर खुद एक बहुत ही अच्छा पेंटर था, याद रखना। अब आपका होमवर्क क्या है यहाँ पे, वैसे तो सारे मुगल्स आर्ट के शौकीन थे, तो बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनके पीरियड में जो आर्टिशन थे मतलब पेंटर्स थे, फेमस पेंटर, उनके नाम लिखना है, ओके, जहांगीर, अकबर, शाहजहां और ये। थीम्स टू की अगर एनसीईआरटी आपने देखी होंगी, उसमें कई सारी इमेजेस हैं, तो शाहजहां के, जहांगीर के, जहांगीर क्या कर रहा है, एक डार्कनेस ऑफ पॉवर्टी को हिट कर रहा है एक फोटो में, ओके, तो
पूछ सकते हैं इसका मतलब पेंटर कौन था। फिर ऐसी ही एक पेंटिंग है चेन ऑफ जस्टिस बताई गई है। आगरा जो फोर्ट था, आगरा फोर्ट से मतलब एक चेन सकली सोने की क्या वो कहेंगे उसको चेन थी जो मतलब कोर्ट के अंदर बादशाह के मकान से तो कोर्ट के बाहर तक वो रोड पर थी। ओके कोई अगर जरूरतमंद है और उसका अगर काम नहीं हो रहा है, ऑफिसर्स नहीं सुन रहे, तो वो आके 24/7 तो किसी भी वक्त में उसको बस उसको पुल करना है, तो वो डायरेक्ट कंप्लेंट जाएगा बादशाह तक। ओके और फिर उसको ग्रीवांस रिड्रेस किया जाएगा। ठीक है तो वो चेन गोल्डन चेन इसने लेकर आया था जहांगीर में, उसकी भी फोटो देखे। थोड़ा सा इमेजेस देखा करो, थीम्स 3 में काफी इंपॉर्टेंट इमेजेस है। थीम्स 2 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। ओके टेम्परेट, देखो टेम्परेट रीजन जनरली कब आता है, 30 डिग्री के ऊपर से 30 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है और अल्पाइन, टेम्परेट अल्पाइन, अब अल्पाइन तो बहुत ऊपर रहता है पोलर के पास, लेकिन याद रखो कि हाइट जैसा बढ़ जाती है ना तो टेम्परेचर क्या होता है कम हो जाता है, तो पोलर लाइक इन्वायरमेंट इंडिया में भी मिल सकता है और एक्चुअली में है हिमालयस में। तो टेम्परेट अल्पाइन मतलब हाइट बहुत ज्यादा रहना चाहिए और थोड़ा सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर के साइड में रहना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है, तो हमको देखना है सबसे मतलब नदर मोस्ट कौन सा है वो देखो, मानस नेशनल पार्क आसाम में, तो आसाम वैली में उतना बर्फ वर्फ नहीं रहेगा। नामदापा अरुणाचल में हो सकता है। न्यूरा वैली कहाँ पे, ये भी नहीं हिमालय में, आसाम ही है शायद से, उसे देख ले इसको। ओके सिक्किम भूटान ऐसा हो रहा है, इसका लोकेशन देख लेना न्यूरा वैली का। और इसके बाद है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में। ओके ये बहुत ही मतलब नॉर्थ में भी है, हाइट भी ज्यादा है और पूरा बर्फीला रहता है, इसलिए इसका आंसर आएगा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ओके ये बायोस्फीयर शायद रिजर्व भी है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर बोल रहे। ओके न्यूरा वैली इज इन वेस्ट बंगाल। ओके न्यूरा वैली है वेस्ट बंगाल में, इसको लिख देता हूं। ओके अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर द, बहुत ही फेमस स्कीम है, वेल नोन स्कीम है, किसकी है स्कीम, नीति आयोग। नीति आयोग के जो रिसेंट में लॉन्च हो रहे स्कीम और इंडेक्सेस वो हमको पता रहना चाहिए, जैसा कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है। ओके फिर और दूसरे भी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो वो थोड़ा सा रिपोर्ट की एक लिस्ट बना के रख दो नीति आयोग जो पब्लिश करता है। इसी तरीके से नीति आयोग का कंपोजिशन भी हमको पता रहना चाहिए, इसका चेयरमैन पीएम रहता है, फिर एक वाइस चेयरमैन रहेगा, इसके भी रिसेंट वाइस चेयरमैन ने रिजाइन किया 2 दिन पहले आया था, क्या नाम था उनका, राजीव कुमार बोल के थे, दूसरे आ गए अभी, और कुछ फुल टाइम मेंबर रहते हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर रहते हैं। ओके और इसी तरीके से इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें ऑल द सीएम भी रहेंगे, चीफ मिनिस्टर वगैरह, तो ये सारा नीति आयोग। अब मुझको बताओ नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ तो ये क्या है नीति आयोग, एक्स्ट्रा स्पेसिफिक अगर कहा जाए तो इट इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रिजोल्यूशन इसको बनाया गया, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन इसको बनाया गया। इसी तरीके से इससे पहले जो इसका इससे पहले प्लानिंग कमीशन था सेम, वो भी एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से बनाया गया था। ओके इसी तरीके से देखो ऐसे ही अपने पास कुछ बॉडीज है जो लीगल भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें से एक सीबीआई भी आता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑन 21 जून द सन, अब ऑप्शन देखो, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजोन एट आर्टिक लेवल, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजोन एट अंटार्कटिक लेवल,
shines vertically overhead at noon on equator, shines vertically overhead at tropic of cancer. अब हमारे लिए सन के मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है. ओके, 21 जून की बात कर रहे हैं. देखो 21 जून, फिर उसमें 21 दिसंबर, फिर 21 मार्च और 21 सितंबर, ये डेट्स हमको पता रहने चाहिए. अर्थ को डिवाइड किया जाता है दो स्पीयर में, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर. हम है नॉर्थ हेमिस्फीयर में. ओके, नॉर्थ हेमिस्फीयर समर कब स्टार्ट होता है? मार्च से स्टार्ट होगा. तो मार्च से लेके जो 6 महीना रहता है वो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ में समर रहेगा. वही टाइम में साउथ में क्या रहेगा? विंटर रहेगा. ओके, और उसके बाद जब ऊपर विंटर रहेगा नीचे समर रहेगा. अब हमको जो देखो सन जो मूव होता है, अब मार्च महीने में क्या होता है, 21 मार्च को सन एग्जैक्ट एट इक्वेटर रहता है. इक्वेटर में आप अगर आप हैं तो दोपहर के 12 बजे एग्जैक्ट आपके सर के ऊपर दिखेगा वो रेड सन 21 मार्च. फिर 21 मार्च के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो नॉर्थ में जाता है, ऊपर जाएगा ओवर रेड सन, और उसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक. ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंचने तक उसको क्या 21 जून में हो जाता है, 3 महीने लग जाते हैं. फिर 21 जून के बाद क्या करेगा, वो वापस रिट्रीट करेगा, और जून जुलाई अगस्त सितंबर और 3 महीने बाद फिर से इक्वेटर पे आएगा. इक्वेटर पे यहाँ पे क्या है, फिर से ओवर रेड सन है. ओवर रेड सन का मतलब क्या होता है, इक्वेटर पे ओवर रेड सन है तो इसका मतलब क्या होता है, डे इक्वल टू नाइट इक्वेटर पे. और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो लॉन्गेस्ट डे इन दैट हेमिस्फीयर, जो हेमिस्फीयर में है वो हेमिस्फीयर पे क्या रहेगा, लॉन्गेस्ट डे रहेगा. ठीक है, अब हम आए थे सितंबर में. सितंबर के बाद क्या करेगा, वो नीचे जाएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर. दिसंबर में जाएगा वो कैप्रिकॉर्न के पास, और कैप्रिकॉर्न में लॉन्गेस्ट डे रहेगा. ओके, और फिर दिसंबर के बाद फिर वापस ऊपर आएगा और मार्च में फिर से इक्वेटर पे. ओके, अब एक चीज ये हो गई. दूसरी चीज अब ये ध्यान में रखो कि जो पोलर रीजन है, पोलर अंटार्कटिक और आर्टिक, यहाँ पे क्या रहता है, 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की नाइट रहेंगी. तो डे कब रहेगा, आप समझो आर्टिक की बात करें नॉर्थ हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पर दिन कौन से पीरियड में रहेगा, डे समर, मतलब मार्च टू सितंबर. अब हमको पूछा गया है डे है मतलब वहां पे सनसेट नहीं हो रहा है, सनसेट नहीं होना है कोई दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, सन डज नॉट सेट बिलो हॉरिजॉन. हॉरिजॉन मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल, उसके नीचे चला जाना होता सनसेट. तो सन सेट नहीं हो रहा है, 21 जून को सनसेट नहीं होगा, कहाँ पे नहीं होगा, आर्टिक रीजन में. तो आप पढ़ो स्टेटमेंट, ऑन 21 जून सन, ए और बी पढ़ो, सी और डी तो इलिमिनेट हो जाता है आसानी से. ओके, क्या आएगा आंसर, डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजॉन एट आर्टिक सर्कल, क्योंकि आर्टिक में वो टाइम पे क्या है, पूरा 6 महीने और 3 महीने दिन ही रहने वाला, तो सनसेट ही नहीं हो रहा है. ओके, देखो 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहता है, लॉन्गेस्ट डे रहता है, उसको कहते हैं समर सोल्स्टिस. याद रखो नॉर्थ हेमिस्फीयर का समर सोल्स्टिस 21 जून को रहेगा. ओके, लॉन्गेस्ट डे को सोल्स्टिस कहते हैं, समर सोल्स्टिस, और लॉन्गेस्ट नाइट को विंटर सोल्स्टिस कहते हैं. तो विंटर सोल्स्टिस जो रहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिसंबर में रहेगा, 21-22 दिसंबर. एक फिक्स डे नहीं रहता, 21 को रह सकते हैं, 22 को रह सकते हैं. फिर इसी तरीके से जब डे इक्वल टू नाइट रहते हैं, मतलब इक्वेटर पे है सन, तो 21 मार्च और 21 सितंबर उसको कहते हैं इक्विनॉक्स. याद रखो इसको. ठीक है, अब आगे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 21. देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं. 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक पूछा था टैमरिंड. टैमरिंड वो बोला था इंडिजिनस टू साउथ एशिया, वो अफ्रीका से ही था. तो दूसरा एक पूछा था टैमरिंड के अलावा कोई कौन सी स्पेशीज थी, नहीं मोरिंगा तो डेसिडियस, वो कंटेक्स में पूछा था. एक दिया था ऑयल का था, वो पाम ऑयल. पाम ऑयल कहाँ से था, वो भी कहाँ से था, अफ्रीका से. अब यहाँ पे दूसरे स्पेशीज पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन टू वर्ल्ड. डोमेस्टिकेटेड मतलब पहले न्यू वर्ल्ड में लाए गए. न्यू वर्ल्ड किसको कहते थे,
मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, बहुत सारे नए कॉन्टिनेंट डिस्कवर्ड हो गए, जैसा अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड कहते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड मतलब जो पहले से ही पता था, जैसा एशिया है, अफ्रीका है, पहले से ही पता था। तो न्यू वर्ल्ड से ओल्ड वर्ल्ड लाए गए, तो इसमें से टोबैको, कोको, रबर, याद रखो। टोबैको इंडिया में भी लाया गया, ये आता है ब्राजील में, कोको वो भी उधर ही है, और रबर पहले वहां पे था, अब फिर इंडिया में, अफ्रीका में इसको लाया गया। आंसर इसका ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तीन स्टेटमेंट है स्पेशीज के ऊपर। एशियाटिक लॉयन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ओके, दिखने में एक्सट्रीम दिख रहा है लेकिन बात सही है, लॉयन सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, इंडिया में भी गुजरात में मिलते हैं, गिर सेंचुरी। ओके, तो ये सही है। दूसरा, डबल हम्प्ड कैनल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। ये सही नहीं है, डबल हम्प, दो हम्प रहते हैं उसको, और ये मिलता है लद्दाख में और उसके आसपास जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहां पर भी। ओके, तो इंडिया ओनली नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। देखो, वन हॉर्न राइनो हमको पता है आसाम में बहुत ज्यादा है, और ये भूटान में भी है, नेपाल में भी है, नॉट ओनली इंडिया ओनली। तो यहाँ पर आंसर आएगा वन ओनली। जनरली जो बॉर्डर रीजन में जो स्पेशीज है ना, माइग्रेट तो कर सकते हैं ना, तो उधर भी रहेंगे दूसरे साइड में। नेक्स्ट 23, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अच्छा, इसमें दिया, देखो, फेमस प्लेस और रिवर। स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पंडरपुर, चंद्रभागा। अब चंद्रभागा ही थोड़ा सा डाउट होगा, हमने पढ़ा था चिनाब रिवर, चिनाब रिवर जो ओरिजिन होती है दो स्ट्रीम से ओरिजिन होती है, चंद्रा और भागा से। अब फिर ये पंडरपुर तो महाराष्ट्र में है, तो चंद्रभागा कैसे आएगा? जो भीमा रिवर है ना, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी, उसको पंडरपुर में चंद्रभागा कहा जाता है। ओके, तो ये सही है, पंडरपुर चंद्रभागा। तिरुचिरापल्ली, ओके, ये तमिलनाडु में कावेरी के कोस्ट पे, सही है। हम्पी अभी हमने डिस्कस किया था, हम्पी यहाँ पे मलप्रभा दिया है, नॉट मलप्रभा, इट इज ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा। आंसर यहाँ पे आएगा 1 और 2। इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस आर हायर इन सम स्टेट देन इन अदर स्टेट्स। देखो, पॉवर्टी जो लाइंस रहते हैं हर स्टेट की अपनी अपनी रहती है, जनरली वो रुपीज में रहते हैं पर डे की इनकम के हिसाब से। सपोज बिहार में कितना है, 200 रुपए पर डे है, महाराष्ट्र में कितना है, 250 रुपी पर डे, और दिल्ली में कितना है, 300 रुपीज पर डे। डिफरेंट रहता है, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि हर एक स्टेट में महंगाई अलग अलग लेवल है। ओके, अब जैसा इसेंशियल राइस जरूरी चीज है, लेकिन बिहार में बहुत सस्ता है, महाराष्ट्र में थोड़ा महंगा है, दिल्ली में और ज्यादा महंगा है। तो दिल्ली में क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी लाइन तुमको ऊपर सेट करना पड़ेगा ना, कि उसके क्योंकि वो लोग को आपको ज्यादा क्या जो लोग हैं उनको पॉवर्टी बास्केट में इंक्लूड करना है। अगर आप कम लेवल की सेट करोगे और महंगाई ज्यादा है तो बहुत सारे लोग क्या होंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इसलिए आंसर यहाँ पे बी आएगा, प्राइस लेवल वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। 25, In the context of which of the following do some scientists suggest use of cirrus cloud thinning technique and injection of sulfate aerosol into stratosphere? एक रहता है cloud thinning और aerosol, दो चीजें हैं। cloud thinning रहता है, cloud seeding रहते हैं। thinning मतलब क्या कर रहे हैं, clouds हैं उसको thin कर रहे हैं, clouds को thin मतलब thickness कम कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। clouds क्या करते हैं generally? clouds हैं, clouds क्या करेंगे, जो earth heat reflect हो रही ना उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, मतलब हीट ट्रैप कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वार्मिंग हो रहा है। इस यही क्लाउड को अगर हम हटा दिए, थिन कर दिए, तो क्या होगा, जो हीट अर्थ से जा रहा है वो स्पेस में चला जाएगा, ठीक है। तो क्लाउड थिनिंग का जो पर्पस है, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा एक रहता है क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है, कहां पे बारिश नहीं हो रहा है तो वहां पे क्या करना है, बारिश गिराना है।
तो हम क्या करते हैं उसमें नमक NaCl या ड्राइस CO2 या फिर सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड ये जो पार्टिकल्स हैं उसको वहां पे मतलब ये करते हैं उसको वहां पे पावर करते हैं। तो उससे क्या होता है वो वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाते हैं, हीवी हो जाते हैं और रेनफॉल होता है। तो रेनफॉल के लिए हम यूज करते हैं क्लाउड सीडिंग, और जो दूसरा है क्लाउड थिनिंग के लिए हम यूज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। याद रहे। नेक्स्ट 26। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन आर मेंशन। पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन, देखो ये टेक्निक्स हैं, हमको पता है सॉलिड वेस्ट वगैरह पता है, इससे भी हम एनर्जी तैयार कर सकते हैं। पर एनर्जी मतलब क्या करेंगे उसको गैस में वगैरह कन्वर्ट करेंगे। जैसे हम क्या कह सकते हैं एक सिंथेटिक गैस कहते हैं, मतलब जिसमें CO2 CO और कुछ हाइड्रोजन वगैरह रहता है, उससे भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो हम वेस्ट टू एनर्जी में इसको यूज करते हैं पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मतलब नॉट सिंपल बर्निंग, बर्निंग जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। पायरोलिसिस में बर्निंग विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो वो प्रोसेस से हमें को मिलेगा, मतलब इसको बर्न करेंगे हम विदाउट ऑक्सीजन। और क्या होता है फिर थोड़ा सा ऐश टाइप में कुछ हमको मिलता है। ओके मटेरियल, उसको हम बायोचार कहते हैं। बायोचार पे 2020 में क्वेश्चन आया, दोपहर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, तो बायोचार का वो कुछ पूछा था उसका यूज वगैरह क्या है। तो ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी में हम ये पायरोलिसिस यूज कर सकते। इसका एक भाई रहता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब सिंपल उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न करना। ओके, ये भी एक डिस्पोजल का तरीका है, लेकिन ये क्या होता है हाईली पोल्यूशन, पोल्यूशन तो होगा। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से कौन सा अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट। अब इसके लिए हमको पहले ये जरूरी है कि मतलब अगस्त्यमलय का अप्रोक्सीमेट लोकेशन कहाँ पे है। कहाँ पे आता है अगस्त्यमलय? वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट। हाँ ठीक है। और देखो दो माउंटेन, दो बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट, एक नीलगिरी, नीलगिरी ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों के कन्फ्लुएंस पे है। ओके, और अपर साइड ऑफ केरला, केरला तमिलनाडु, और उसके नीचे आएगा अगस्त्यमलय। अब यहां पर हम कुछ देखो कोशिश करो कुछ इलिमिनेट कर सकते हो क्या, लाइक मैं क्या कर रहा हूं अभी ऑप्शन सी पढ़ रहा हूं, कुंडिनिया गुंडाला ब्रह्मस्वरम पापीकोंडा एंड मुकुर्ति। पापीकोंडा, कोंडा जनरली ऐसे नाम का है आंध्रा में, तो आंध्रा अगस्त्यमलय क्या है एक्सट्रीम साउथ में है, और पापीकोंडा रह सकता है क्या उसमें? नहीं, तो पापी सी इलिमिनेट हो जाएंगे। डी कावल श्री वेंकटेश्वरा नागार्जुन सागर श्री साइला। NSTR ये कहाँ पे? आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर पे। ओके, ये भी इलिमिनेट हो जाएगा, सी चला गया डी चला गया। अब देखो बी पढ़ लो, बी मुदुमलाई सस्तमंगलम वेनाड एंड साइलेंट वैली। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए, ये क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है, बस क्या कहती है इसमें से कौन सा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, साइलेंट वैली वेनाड सत्यमंगलम मुदुमलाई। अब बचता क्या है अपने पास? ए नेयार पेपेंद्रा शिचुंद्री कलक्कड़ मुंदान थुराई टाइगर रिजर्व। तो ये पार्ट है अगस्त्यमलय, याद रखो इसको। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसके आसपास के नेशनल पार्क। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को इलिमिनेशन से वगैरह इजीली सॉल्व कर सकते। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सम स्पेसिस ऑफ टर्टल आर हर्बिवोरस। तो रह सकता है टर्टल्स ऑलिव रिडल टर्टल वगैरह हर्बिवोर हो सकते हैं। सम स्पेसिस ऑफ फिश आर हर्बिवोरस रहते हैं। सम स्पेसिस ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बिवोरस, इसका फेमस एग्जांपल है डुगोंग, ओके सी का जिसको कहते हैं। सम स्पेसिस ऑफ स्नेक्स आर विविपैरस, स्नेक के कुछ स्पेसिस विविपैरस हैं। विविपैरस मतलब गिविंग बर्थ टू लाइव ऑफस्प्रिंग। ओके, विविपैरस एक रहता है ओविपैरस और दूसरा रहता है विविपैरस। ओवी में जो एग, एग लेइंग जिसको कहते हैं, तो जनरली जो स्नेक्स रहते हैं वो ही पैरस रहते हैं, लेकिन कुछ
वो शायद अनाकोंडा है कि उसको पता नहीं, वो है ना वीवी पेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चारों स्टेटमेंट सही है, आंसर है 1, 2, 3, 4। ओके, थोड़ा सा बस सोचना है, सेकंड राउंड में करना है ऐसे क्वेश्चन को, तब तक थोड़े और एग्जांपल वगैरह आपके ध्यान में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, वाइल्ड लाइफ स्पेशीज दिए हैं नेचुरली फाउंड इन। 28 बचा, क्वेश्चन नंबर 28 अभी देखे ना, सम स्पेशीज ऑफ टर्टल्स है। ठीक है, 29। अब यहां पर देखो, ब्लू फिन्ड महाशीर ये कावेरी रिवर में है। सपोज कुछ पता नहीं, देखते हैं हम कोशिश करेंगे, इलिमिनेशन से हो सकता है क्या। इसके ऑप्शंस देखो, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, ऐसे क्वेश्चन इजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। आपको बस क्या करना है, एक ऑप्शन निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखो कौन सा निकाल सकते हो, ब्लू फिन महाशीर कावेरी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, इरावदी डॉल्फिन, चंबल रिवर। इरावदी रिवर कहां पे है, म्यांमार से जाती है। चंबल किधर है, राजस्थान में, तो कुछ संबंध है। ओके, दूर दूर, बहुत दूर है रीजन, तो दो को इलिमिनेट करना था आपको, बाकी आंसर आ जाएगा। ओके, तो ब्लू फिन महाशीर ये कावेरी में मिलता है, सही है। महाशीर इसको बोलते हैं, महाशीर महाशेर इसको, टाइगर टाइगर ऑफ रिवर भी कहा जाता है ब्लू फिन, और रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट की। इसे भी याद करते नहीं बैठना है, ऐसे क्वेश्चंस को इलिमिनेशन से सॉल्व करना। ओके, तो इराउडी डॉल्फिन चंबल में नहीं मिलती है। ओके, तो इसको आप निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अभी एक स्पेशीज न्यूज में है, लास्ट ईयर थी, गोल्डन महाशीर, उसका आईयूसीएन स्टेटस कुछ चेंज किए हैं, तो गोल्डन महाशीर वो आप उसको नोट कर लो, उसका आईयूसीएन स्टेटस अभी क्या है और कहाँ पर मिलती है, ऐसा चेक कर लेना, मुझको अभी याद नहीं आ रहा है। गोल्डन महासीर, गोल्डन महासीर और ब्लू फिन महासीर दो हैं। आईयूसीएन स्टेटस शायद चेंज हुआ है, इसका ही चेंज हुआ है, ब्लू फिन का, ब्लू फिन का चेंज हुआ है, उसको देख लो आईयूसीएन स्टेटस अभी क्या है। नेक्स्ट, माइक्रोबिट्स दैट आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबिट्स दैट आर रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट। माइक्रो मतलब एमएम में उसका डायमेंशन रहेगा, बिट्स मतलब प्लास्टिक के पार्टिकल रहते हैं छोटे छोटे, तस्बी के दाने रहते हैं, उसको बीड्स कहते हैं, बंद के जिसको कहते हैं। ओके, तो ये किस लिए हार्मफुल है, दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम। ओके, दूसरा पढ़ो, दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन, बहुत स्पेसिफिक बोल रहा है। सी, दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्सॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट्स इन इरिगेटेड फील्ड्स, हो सकता है। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स। ओके, अब ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा गेस करो, और वो जो इशू जो है ना माइक्रोबिट्स, कहाँ पे हो रहा है पता है, मरीन इकोसिस्टम में हो रहा है। कैसे, एक तो है कि प्लास्टिक लिटर वगैरह बहुत सारा ओशन में ये कर रहे हैं, डिस्कार्ड हो कर रहे हैं। दूसरी बात, जो नेट्स वगैरह यूज करते हैं प्लास्टिक के नेट्स वगैरह, उसका ओवर द पीरियड वियर एंड टीयर होता है, और वो मरीन इकोसिस्टम में चले जा रहे हैं, फूड सिस्टम। ओके, तो इसलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे, मरीन इकोसिस्टम। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिख सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही दिखा, ए भी सही, ये भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा गौर करके कहाँ पे ज्यादा मोर इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसे एक क्वेश्चन हमने 2021 में किया था, ब्लैक मनी का, व्हाई ब्लैक मनी इज मोर केस ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट। नीचे चार चीजें, चारों भी उसके साइड इफेक्ट भी थे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्या था, तो लॉस ऑफ रिवेन्यू। ओके, ये देखो ये डायग्राम है, कुछ रीजन्स है, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, जैसे एशिया है ऐसे ही आइलैंड्स की ग्रुपिंग है। पॉलिनेशिया याद रखना, तुवालु, टोंगा ये आइलैंड है, न्यूजीलैंड भी पॉलिनेशिया का पार्ट है। फिर वहां पे ऊपर माइक्रोनेशिया है, नीचे मेलानेशिया, ऐसे फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी इसको ऐड किया गया। पूछा तो नहीं गया कुछ इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 30, मैप देख लिए थे कि आपने, वो ये मैप है पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, लोकेशन देख लो, और न्यूजीलैंड इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, एक स्पेशीज, एक
स्पेशीज है हिमालयन नेटल, गिराल्डिनिया डायवर्सिफोलिया। ये न्यूज में थी, तो किस लिए न्यूज में थी? हिमालयन नेटल, तो ये क्या है? टेक्सटाइल फाइबर है बोलते, टेक्सटाइल फाइबर कपड़ों बनाने के लिए, जूट कॉटन यूज करते हैं वैसा ही हिमालयन नेटल। इससे पहले और एक शायद पूछा गया था, हिमालयन यू YW, ये किस लिए यूजफुल है? तो शायद वो कुछ एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर या एंटी ऐसा कोई ड्रग है वो, हिमालयन यू YW। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ज्यादा करंट अफेयर बहुत सारे आते हैं, पर पढ़ना उसको बस एक बार पढ़ के छोड़ देना है, ऐसे याद नहीं करते बट। ओके, अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर पूछा गया टेक्नोलॉजी फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। रिमोट सेंसिंग किस लिए यूज की जाती है? हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उससे जरिए पिक्चर के जरिए हम डाटा कैप्चर करते हैं। तो देखो, ए क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, कर सकते हैं। ग्रीन ग्रीन कवर कितना है वगैरह, ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो ग्रीन हाउस गैस मेजर करने के लिए लॉन्च किया। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, कर सकते हैं। लैंड सरफेस टेम्परेचर वगैरह वेदर के जो ये रहते हैं सैटेलाइट। आंसर क्या है? 1, 2, 3। ओके, 2019 तक ये ट्रेंड सही था, टेक्नोलॉजी पूछा तो जनरली ऑल ऑफ दिस। लेकिन 2020 में क्या किया, दो पर में हम देखेंगे। वो क्या बोला, रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन इनमें से क्या है एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बस ये क्लॉज ऐड किया। मतलब क्या क्या यूज कर सकते हैं ऐसा नहीं पूछा, एट प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या एप्लीकेशन अभी हम इसके यूजेस क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एकदम एडवांस बात की जाती है वो नहीं आएगा, उसको एलिमिनेट करना रहे। तो दो क्वेश्चन पूछा हो, हम दो पर में डिस्कस करेंगे। आगे आ जाओ, 33। यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स के नाम है और बोला है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एज अ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो अब वो टाइम पे रिपोर्ट आया था 19 में, अब इस साल का भी रिपोर्ट आया 2021 में। तो हमको क्या करना है, टॉप 3 स्टेट्स जहां पर क्या है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, एरिया वाइज एक लिस्ट बनाओ, दूसरे परसेंटेज वाइज, ठीक है। फिर इसी तरीके से अभी प्रेजेंट में फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे पास, ये भी उसको लिख लेना है। अभी देखो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में, दूसरा आता है अरुणाचल, और अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है मिजोरम में, और सेकंड पे आता है अरुणाचल। दोनों में भी अरुणाचल सेकंड में। अब यहाँ पे जो आंसर था 33 का सी था 3, 2, 4, 1। परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज देखो कौन से स्टेट में ज्यादा रहेगा, ऐसे स्टेट में जहाँ पे फॉरेस्ट है लेकिन एरिया भी छोटा है, परसेंटेज में ज्यादा आता है। ओके, तो छोटे स्टेट छत्तीसगढ़ ओडिशा, छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, फिर ओडिशा, उसका तो एमपी, फिर महाराष्ट्र। करंट बेस वो टाइम का 19 में रिपोर्ट आया था, तो 19 पूछ रहा है, 21 में भी रिपोर्ट आया, तब आप ये मत याद रखो, 21 वाला देख लो, शायद जनवरी के मंथली में दिया है। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट। मिथेन हाइड्रेट एक कंपाउंड है, ये ओशंस में वगैरह मिलता है जनरली। इसमें क्या रहता है, मिथेन, मिथेन गैस रहेगा आपका, वो इनक्लोज बाय वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल में इनक्लोज होता है। और सॉलिड फॉर्म में रहता है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मिथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट, हो सकता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मतलब एकदम सिस्टमेटिक बता रहा है, सही है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मिथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर द स्लिप। टुंड्रा वगैरह ऑलरेडी एनर्जी रिच रीजन है, रह सकता है। मिथेन इन एटमोसफियर ऑक्सीडाइजेस टू द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड आउट टू। ओके, मिथेन देखो मिथेन में क्या रहता है, CH4, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, CO2, CO2 प्लस H2O बन सकता है, ठीक है। तो ये पूछा है तो हो सकता है। और डिकेड आउट टू, देखो क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में दो टाइप के पोल्यूटेंट रहते हैं, शॉर्ट शॉर्ट लाइट पोल्यूटेंट और लॉन्ग लाइट। लेकिन शॉर्ट लाइट मतलब डेफिनेशन उसका बड़ा है,
शॉर्ट लाइफ मतलब 30 साल 40 साल तक के जो रहते हैं इन्वायरमेंट में, और उससे ज्यादा 50 साल के ऊपर जो है उसको लॉन्ग लाइफ बोलते हैं। तो मिथेन है, ब्लैक कार्बन है, ये शॉर्ट लाइफ पोल्यूटेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। आंसर यहाँ पे आएंगे 1, 2, 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कार्बन मोनोक्साइड, मिथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, Which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop biomass residue? Crops आप burn करें। देखो, कार्बन मोनोक्साइड तो निकलेगा, कार्बन तो रहता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो CO2 और CO दोनों बनते हैं। मिथेन निकलेगा CH4, ओजोन ओजोन O3, ओजोन देखो ओजोन पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ओजोन क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, डायरेक्ट इमिशन नहीं होता है, पर ऑक्सीजन का रिएक्शन होके बनता है दूसरे कंपाउंड से। तो ठीक है, अभी 3 को होल्ड पे रखो, 1, 2 तो है। 4 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ये मिनरल है, ये भी रहता है प्लांट में, प्लांट को ब्लन को बर्न करोगे तो आएगा ही। 1, 2 और 4 ऐसे कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। सी और बॉर्डरिंग कंट्री, ओके सी और बॉर्डरिंग कंट्री ये पूछा है, अबे मैपिंग के ऊपर है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एड्रियाटिक सी, ओके एड्रियाटिक सी देखो कहां पर है, ग्रीस के बाजू में है ना, ग्रीस के बाजू में एड्रियाटिक सी है, तो अल्बानिया उसको बॉर्डर करता है, इट इज करेक्ट। ब्लैक सी, ब्लैक सी और क्रोएशिया, देखो क्रोएशिया भी अल्बानिया के पास ही है, नीचे है, ओके और ब्लैक सी तो कहाँ पे आता है, थोड़ा सा रशिया तुर्की के बीच में, ओके तो ये गलत होगा। अब यहाँ पे 5 पेयर है ना देखने का, कौन सी श्योरली हम निकाल सकते हैं, देखो या फिर सपोज कैस्पियन सी, कजाकिस्तान टच करता है क्या, कैस्पियन सी है, उसका न्यूमनिक है तारीख TARIK मतलब कजाकिस्तान, तो 3 आना चाहिए, आंसर में 3 रहना चाहिए, तो बी और डी दोनों में से एक रहेगा, ओके इसका मेडिटेरियन और मोरक्को सही है, मोरक्को मेडिटेरियन, तो 4 भी रहना चाहिए, 3 और 4 बी में भी है डी में भी। रेड सी और सीरिया, रेड सी कहां पर है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और सऊदी अरब उसके बीच में है, सीरिया तो ऊपर है, सीरिया मेडिटेरियन को टच करता है, तो 5 नहीं रहना चाहिए, तो डी इलिमिनेट होगा, आंसर आएगा आपका 1, 3 and 4, ओके तो ये चीज समझ लो, मैं इसको बाद में डायग्राम ऐड करता हूं इसमें तो और आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड इन लास्ट 5 years? देखो राइस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, अभी इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट पे से रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे, तो बासमती राइस का एक्सपोर्ट बहुत बड़ा था इंडिया से, इंडिया डायरेक्ट टॉप ही आ गया एक्सपोर्ट में, तो राइस एक्सपोर्ट में इंडिया टॉप है, राइस प्रोडक्शन की बात की है तो चाइना है टॉप, याद रखो। और इंडिया में अगर स्टेट की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा राइस प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल फिर यूपी, ओके हाँ हाँ वो टाइम पे राइस एक्सपोर्ट वगैरह मतलब न्यूज में था, और इंडिया टॉप पे भी था, शायद अभी भी टॉप पे ही है, ओके और एक चीज याद रखो, वीट ऐसे स्टेट्स और मतलब मेजर क्रॉप्स और कौन सा स्टेट टॉप पे, जैसा व्हीट है, व्हीट यूपी में है, शुगर केन भी यूपी में है, ओके राइस वेस्ट बंगाल में है, पल्सेस जनरली एमपी में ज्यादा लिए जाते हैं, ओके फिर इसी तरीके से जो कॉटन है, कॉटन आता है गुजरात में, कॉटन एंड ग्राउंड नट्स दोनों गुजरात में, जूट वेस्ट बंगाल में, मस्टर्ड जिसको सरसों कहते हैं, सरसों का तेल नॉर्थ में यूज होता है, ओके वो है राजस्थान में, ओके जोवार जोवार जिसको कहते हैं ज्वारी के रूप महाराष्ट्र में, ओके याद रखो ये कुछ चीजें थी याद रखना। इसके बाद देखो 38, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर देखो ग्लेशियर्स और रिवर्स इसके बारे में पूछा गया है, अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओके
बंदरपुच ग्लेशियर। देखो हम तो पढ़ते हैं यमुना यमुनोत्री से ओरिजिन होती है, गंगा गंगोत्री से। अभी बंदरपुच क्या है? बंदरपुच यमुनोत्री का ही दूसरा नाम है। ओके याद रखो, यमुनोत्री ग्लेशियर का ही दूसरा नाम क्या है? बंदरपुच। तो ये सही है। बारा शिगरी, देखो इसको कैसा गेस करोगे, चिनाब कहाँ से ओरिजिन होती है? एक पास है, माउंटेन पास, बारा लाचाला। बारा बारा से याद रखो, बारा लाचाला बारा शिगरी, तो वो ग्लेशियर चिनाब की है। चिनाब ओरिजिन होती है बारा लाचाला पास से। और दूसरी बात, दो स्ट्रीम है, चंद्रा और भागा, ये दो फैक्ट्स याद रखना चिनाब के बारे बारा शिगरी। थर्ड पेयर बोला है मीलम, और रिवर दिया है मंदाकिनी। नीलम जो ग्लेशियर है वहां से गोरी गंगा, रिवर का नाम है वो आती है, नीलम गोरी गंगा, मंदाकिनी नहीं है। ओके इसका सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा से। अब इसका फॉलो अप क्वेश्चन आया 2020 में, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड एट, वो बोला नॉर्थ ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान, ईस्ट ऑफ लद्दाख, एक बोला था नॉर्थ ऑफ नुब्रा। नुब्रा रिवर यहां से ओरिजिन होती है, सियाचिन से। ओके और जेमो ग्लेशियर, जेमो जेमो ग्लेशियर से देखो तिस्ता रिवर आती है। 1 2 4 सॉरी, जेमो जेमो से कौन सी रिवर आती है? तिस्ता आती है। ओके यहां पर मैं मिस्टेक किया, एडिट करना इसको। जेमो तिस्ता याद रखना। ओके चलो 1 2 4 ये हो गया। अब 39, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफ्यूरॉन मिथाइल पार्थियन फोरेट ट्रायजोफोस इज व्यूड विथ एप्रिहेंशन, दीज केमिकल्स आर। जनरली केमिकल्स पे एक दो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो न्यूज में है, पोल्यूटेंट है, persistent organic pollutant है, pesticide है। कल ही हमने देखा था bisphenol एक पूछा और triclosan पे क्वेश्चन था। तो ये जो फोरेट पार्थियन ट्राइजोल ये क्या है? पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर है। और देखो फोरेट को ऐड किया गया था रोटरडैम में, रोटरडैम कन्वेंशन फॉर रॉट परसिस्टेंट रॉट पिक प्रायोरिटी इन्फॉर्म कंसेंट फॉर मूवमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी। वैसे क्वेश्चन में हमारा क्या अप्रोच रहता है? एक्सट्रीम देखो, इलिमिनेशन से निकाल दो, मैंडेटरी बोल रहा है गवर्नमेंट को कंपल्सरी, और ऊपर क्या रामसर कन्वेंशन, कन्वेंशन कंपल्सरी नहीं रहते, आप करना है करो, नहीं करना है मत करो। और दूसरी बात और एक, ऑल द वेटलैंड बोल रहा है, मोस्ट ऑफ द आधे से ज्यादा वेटलैंड तो हमारे क्या रहते हैं? पैडी फील्ड्स रहते हैं। वेटलैंड मतलब जहां पर पानी क्या है? ज्यादा है। तो ये चीज क्या होंगी फिर यहाँ पे? रॉन्ग होगा ना स्टेटमेंट वन, वन को निकाल दो, दो बच रहा है, टू थ्री और दूसरा है थ्री, तो थ्री श्योरली सही है। अब टू पे देखना हमको, वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल्स 2010 वेयर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। अब ऐसा देखने को तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, हमने भी इसको सही अज्यूम किए थे और टू एंड थ्री मार्क किए थे, बट जब यूपीएससी की आई एक हिसाब से आंसर क्या है? थ्री ओनली है, स्टेटमेंट थ्री सही है। थ्री पढ़ लो तुम, ओके तो यहां पर जो थ्री सही है स्टेटमेंट, टू टू इसलिए रॉन्ग हो सकता है कि वो बोल रहा है कि वेटलैंड रूल्स ऑन द रिकमेंडेशन रामसर कन्वेंशन बनाई है। रामसर कन्वेंशन बहुत पहले आया 71 में, और ये जो रूल्स बनाए गए ये नए रूल्स हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट इसने बनाए थे, इसके अपने रूल्स हैं। हो सकता है इससे कोई कमिटी अपॉइंट किया होगा, उससे बेसिस पे वगैरह बनाए होंगे, तो ये डायरेक्टली मतलब रामसर कन्वेंशन नहीं था, तो इसलिए उसने उसको रॉन्ग पकड़ा है। ओके ठीक है, पर देखो ऐसा अगर सोचा जाए ना तो इनडायरेक्टली तो हुआ ही होगा ना, इनडायरेक्टली तो मतलब कुछ प्रोविजंस तो रहेंगे रामसर के,
जनरली हमको लेकिन इंक्लूसिव लेके चलना है, ऐसे भी भले ही रॉन्ग हो जाए लेकिन ऐसे एक्सेप्शन ध्यान में रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, इंक्लूसिव रख के चलो। 41 एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। हो सकता है सॉइल में नाइट्रोजन रहता है ना, ओके। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, कैटल का जो एक्सक्रीटा वगैरह रहता है उसमें अमोनिया वगैरह रहता है, और ठीक है। थर्ड, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट। तीनों स्टेटमेंट सही है, ओके, पढ़ लो बस, फैक्चुअल है। फोर्टी टू, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, प्लेसेस के नाम दें, अलियार, ईसापुर, कंगजाबादी, ये क्या है बोल रहे हैं? इसमें से एक साइट महाराष्ट्र की ईसापुर, ईसापुर ये डैम है पेनगंगा रिवर। अलियार वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में, ये भी शायद कुछ डैम ही होगा, वाटर रिजर्व है। और कंग्स बस्ती वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर, ये तीनों भी क्या है? वाटर रिजर्वायर। ईसापुर, अलियार, ये। नेक्स्ट 43, यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिए गए एचसीएनजी के ऊपर, हाइड्रोजन और सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब मीथेन रहता है, मीथेन में क्या कर रहे हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है पता है, पोल्यूशन और कम हो जाता है। मीथेन से पहले पोल्यूशन कम रहता है, पर हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन और ज्यादा क्लीन है, कंप्लीटली क्लीन नहीं है लेकिन सीएनजी कंपेयर में और ज्यादा क्लीन है। अब यहाँ पर क्या है, कोशिश करो कि इलिमिनेट अगर कुछ हो सकते तो इलिमिनेट कर दो। स्टेटमेंट वन, मेन एडवांटेज ऑफ द यूज ऑफ एचसीएनजी इज द इलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। इलिमिनेशन मतलब रिड्यूसिंग टू जीरो, पॉसिबल है, फ्यूल है, कुछ ना कुछ तो भी पोल्यूशन होगा, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाए। अगर इसकी जगह रिडक्शन रहता तो सही रहता, इलिमिनेशन मतलब पूरा खत्म, एक को इलिमिनेट कर दो। अब दो स्टेटमेंट आपके बचते, बी और सी बचते, टू थ्री और फोर, एक तो टू थ्री सही रहेगा या फोर। एससीएनजी फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशंस, सही रहेगा, ये पोल्यूशन कम हो रहा है। हाइड्रोजन अप टू 1/5 बाय वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विद सीएनजी एज अ फ्यूल फॉर बसेस, ये क्या आएगा, 1/5 रह भी सकता नहीं, हमको पता नहीं। और फोर, एससीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। अब इसमें थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, मिक्स करना है, हाइड्रोजन को बनाना भी है पहले, कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ेगा, ओके। तो वैसे भी अगर टू को अगर आप राइट मान लिए ना, आंसर आ जाता, क्योंकि बी में टू एंड थ्री है और सी में फोर है, तो आंसर आएगा हमारा बी। बहुत सारे क्वेश्चन आप जस्ट इलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगेन 44, क्लाउड्स के ऊपर पूछा है, व्हाई द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्मड ऑन क्लाउडी नाइट्स। ड्यूज जो है क्लाउडी नाइट्स, मानसून में तैयार नहीं होते, क्यों नहीं तैयार होते? ड्यू बनने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए, मतलब एयर में जो मॉइस्चर है वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वेपर इज कन्वर्टिंग टू लिक्विड, तो क्या चाहिए, जीरो, आपको टेम्परेचर मतलब कम करना है, तब वो ड्यू बनेगा, ठीक है। तब देखो अब दूसरी बात, क्लाउडी नाइट, क्लाउडी नाइट में क्या हो रहा है, क्लाउड्स आपकी हीट क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो ऑप्शन देखो, ए में क्या हो रहा है, क्लाउड अब्सॉर्ब द रेडिएशन, और बी में हो रहा है, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द रेडिएशन। क्लाउड क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं रेडिएशन, ओके। जो व्हाइट कलर की चीजें रहती है कोई भी, वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ब्लैक कलर वाले क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। 45, अब थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। देखो ये सारी जो ऐसे चीजें हुई थी ना, जुडिशियल रिव्यू के बाहर रखना, पार्लियामेंट को ज्यादा पावर देना, ये सारी इंदिरा गांधी जी की पीरियड में हुई थी, तो उनके पीरियड में 42nd तक हुए थे अमेंडमेंट, 44th 42nd को न्यूट्रल करने के लिए लाया गया था, तो अभी से 44 तो रहेगा नहीं, उससे पहले का कोई रह सकता, तो वो 39 था, तो 44 तो आप ऐसा भी निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट टू, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अब यहाँ पर हमको वो टाइम पे थोड़ा न्यूज में था 99, उससे पहले एक दो साल पहले लाया गया था। ये किस लिए लाया गया था 99, कोई गेस करो? एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो इसमें क्या कर रहे थे, एक बॉडी रहेंगे, उसमें लॉ मिनिस्टर रहेगा, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और जजेस भी रहेंगे, दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना है जज, नई जजेस किसको लेना है, ट्रांसफर कैसा करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये इंटरफेरेंस है अगेंस्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट में, तो फिर ये उन्होंने नल एंड वॉइड किया था। तो ये 99 हो गया। अब 100 क्या था, लिख लो, 100 किस लिए था, इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, वो लिख लो। फिर इसके बाद 101st जीएसटी, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 103rd ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन, ओके, 104th एससी एसटी फॉर फर्दर 10 years, सही है, और 105th स्टेट कैन डेजिग्नेट देयर ओन लिस्ट ऑफ एनसीबीसी, याद रखो। तो ऐसे ये कितने हैं, 105th तक आए, ठीक है, इसको समझ लेना, पढ़ लेना। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस से याद आया, देखो मैक्सिमम मुस्लिम कम्युनिटी या फिर अदर जो भी कम्युनिटीज हैं जो ईडब्ल्यूएस में बैठते हैं, 8 लाख से जिनका कम इनकम है, सर्टिफिकेट बनाना है। यूपीएससी में काफी इसका फायदा होता है, कितना डिफरेंस आ रहा है पता है, अब प्रीलिम्स में 10 से 15 मार्क का डिफरेंस आ रहा है, ओपन का कट ऑफ 90-92 जा रहा है और इसका कितना जा रहा है, 77 आया था लास्ट ईयर। हाँ अभी अप्लाई किया, पर नेक्स्ट ईयर से आप लोग ध्यान में रखना, ईडब्ल्यूएस बनाना ही है और वो बोलता है कि ये फाइनेंस ईयर का बनाना है, तो ध्यान से नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है कौन से डेट का चाहिए, तो वो डेट का और वो पढ़ के उसका ही बनाना है, ठीक है। नहीं समझ रहा कुछ तो आप पूछ सकते हो डाउट में मुझको, बस ठीक कर दो, मैं बता दूं कैसा करना है। तो ईडब्ल्यूएस बना लो, मेंस में तो 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, एससी एसटी से भी कम कट ऑफ जा रहा है, ओके। फिर आईएएस वगैरह बनना रहा ना, तो 350-400 रैंक तक भी आपको आईएएस बन सकते हैं। ओपन से बनना है तो पहले 90 में आपको आना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस से 400 भी रैंक रहा तो आप ईडब्ल्यूएस आईएएस आसानी से बन सकते, तो काफी फायदा है। आप इलिजिबल हो तो बना के लो ये, ओके, गवर्नमेंट इतना आपको ये स्कीम दे रहा है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ईडब्ल्यूएस। जनरली दूसरे एजुकेशन के लिए भी, अपने भाई बहन है छोटे तो उनको भी आप बना के अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करवा सकते हैं, ओके, कट ऑफ बहुत कम जाता है। नेक्स्ट, हाँ ऐसा माइनॉरिटी, ठीक है कोई बात नहीं, उसमें क्या ओपन बोल के कर दिए क्या, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं बात को, ज्यादा कुछ मेजर इशू नहीं है वो, चल जाते हैं, बोल सकते हैं वहां पे, ओके। लेकिन एप्लीकेशन वगैरह ध्यान से कभी भी पढ़ना है, और उससे पहले एप्लीकेशन हाउ टू फिल के वीडियोस भी रहते हैं, थोड़ा देख लेने का एक दो, क्या इंपॉर्टेंट चीजें, कैसे अप्लाई करना है वगैरह, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, और डॉक्यूमेंट नहीं रहे ना आपका पूरा सिलेक्शन होने के बाद भी आपको निकाल सकते हैं। मतलब आप बोल रहे ईडब्ल्यूएस है और आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ही बनाया नहीं वो डेट से पहले का जो कमीशन ने बोला है, आप बात का होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ओके। इसी तरीके से आप ओबीसी हैं और ओबीसी का डॉक्यूमेंट भी बनाए नहीं, तो डॉक्यूमेंट अपने रेडी रहना है, ओके। इसी तरीके से परसेंटेज मार्क्स वगैरह पूरे करेक्ट एंटर करना है जो ऐसा है अपना, ओके, ठीक है, नाम रहता है हमारा, नाम भी सही से, ओके, ठीक है। अब देखो 46 पे आते हैं, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है, चार स्टेटमेंट है। ये जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनके बारे में, मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर द जज इंक्वायरी एक्ट 1960। आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर, तो उसमें क्या है, जब एक प्रपोजल लाया जाता है पहले और वो स्पीकर को दिया जाता है, देन स्पीकर में एडमिट और में रिजेक्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ही कैन नॉट रिजेक्ट, तो आंसर ये क्या होगा, रॉन्ग, ओके। स्टेटमेंट टू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इनकैपेसिटी
एंड क्रूड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन अपने डिफाइंस बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ क्या बोला है, क्रूड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, लेकिन डिफाइन नहीं किया है, याद रखना. थर्ड, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन जज इंक्वायरी एक्ट. ओके, अभी जो डिटेल्स है ना इंक्वायरी एक्ट में, उसमें बस मेंशन है कि मतलब ऐसा ऐसा निकाला जा सकता है इंपीचमेंट के थ्रू. उसका जो प्रोसेस है, कितना मेजोरिटी चाहिए और क्या स्टेजेस हैं, वो सारा एक्ट में दिया. शायद आपका ये माइक ऑन है, क्या कर दो, म्यूट कर दो, वहां पे एक ऑप्शन रहता, देखो म्यूट, म्यूट और माइक भी ऑफ कर दो. ओके, और जो एक बार एग्जिट करके फिर से लॉग इन कर दो. ओके, स्टेटमेंट फोर, इफ द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और कितनी चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, तो ये सही है, तो आंसर आएगा हमारा 3 and 4, 1 or 2 गलत है. देखो आसान लग रहा है ना पेपर, हाँ, बस आपको जितना पढ़े हैं वो बेसिस पे आप सॉल्व कर सक रहे हैं पेपर को, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है. देखो क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, बस ध्यान से पढ़ो और इत्मीनान से उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है. 47, 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. 9th schedule add किया गया था First Amendment से. First Amendment से देखो Article 31A, 31B और ये 9th schedule, ये तीन चीजें add की गई थी. Okay, तो याद रखना. कुछ मैं आपको शायद लिखाया भी था, कुछ major amendments हमको ये करना है. First, seventh, फिर वो 24th है, 42nd, 44th. 51, 62nd, then 62nd के बाद 73rd, 74th, 69th जो दिल्ली के लिए है. ओके, 69th, फिर 73rd, 74th पंचायत राज वाले, और उसके बाद फिर 90s में जो 86th एजुकेशन वाला है, 89th बाइफर्केशन ऑफ एससी एसटी. ओके, और उसके बाद फिर अपना आएगा लैंग्वेज वाला एक है 92nd, फोर लैंग्वेजेस ऐड किए गए थे. 96 ओरिया, ओडिया, ओरिया को ओडिया चेंज किया गया. ओके, फिर इसी तरीके से 99 के आगे के तो हमको पता है, और 97 भी याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और 91 भी याद रखना. 91 यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट लाए गए थे, जैसा कि जो साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कितना रहना चाहिए, 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा या फिर पार्लियामेंट. क्या है वहां पे, लोकसभा ओनली. ओके, या फिर स्टेट के कंटेक्स में असेंबली, याद रखो. और 91, ठीक है, ये अमेंडमेंट कुछ याद रखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जी के पीरियड में बहुत सारे नेशनलाइजेशन हुए थे, जैसा कोल सेक्टर का हुआ था, इसी तरीके से बैंक्स का भी नेशनलाइजेशन किए थे, कुछ 14 बैंक्स को नेशनलाइज किए थे 1969 में. टू, नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. देखो ये इशू बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ था 2014 से पहले, क्या होता था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे लॉट ये अलॉट हो जाते थे, उसमें करप्शन हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, पूरे के पूरे अलोकेशन रद्द कर दिए. ओके, ये चीज हो गया. दूसरी बात, सुप्रीम फिर गवर्नमेंट ने नया रूल लेके आए और बोले कि आप क्या करेंगे, हम ऑप्शन से जो अच्छा बिडिंग करेगा सबसे ज्यादा उसको देंगे. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 19 का क्वेश्चन है ना, तो वो टाइम पे तो ऑप्शन से आए, ऑप्शन सिस्टम आ गया था. अभी हमने क्या किए, नया एक्ट भी लेकर आए, कोल माइन एक्ट अमेंडमेंट लेकर आए, फिर न्यू माइंस मिनरल पॉलिसी भी लेकर आ गए. थर्ड, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशियंट इन कोल प्रोडक्शन. अभी भी नहीं है, अभी भी हमारे पास कोल का शॉर्टेज हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है. तो आंसर क्या है हमारा, 1. ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 50,
सॉरी 49 रीड करो तीन स्टेटमेंट देखो कौन सा इलिमिनेट कर सकते थे। हाँ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड, वो खुद बोल रहा है कि मैं गलत हूँ। वेल डिफाइंड मतलब इतना डिटेल में कोई भी चीज नहीं जाए, ज्यादा ज्यादा डेफिनेशन दे सकता है ठीक है, और ऐसा डिफाइन नहीं है। और अब देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आर्टिकल याद रखो 102, उसमें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के कौन से बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो देखो इसको फॉलो अप क्वेश्चन आ सकता है, दो टाइप के रीजन रहते हैं कि आप कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। एक तो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है मतलब 102 में, और एक है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है उसमें से एक है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अनसाउंड माइंड, बैंकक्रप्ट वगैरह ऐसी चीजें। फिर इसी तरीके से जो लॉ में दिए गए आरपीए 1951 में, तो उसमें है कि मतलब क्या बोला गया उसमें, जैसा कि आप अनटचेबिलिटी प्रीच कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सती का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स आप प्रमोट कर रहे हैं ओके, तो ये चीजें, या फिर सर्टन इलेक्शन ऑफेंसेस हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। फिर इसी तरीके से अभी एक रिसेंट में जजमेंट आया था, लिली थॉमस जजमेंट बोलते हैं, अगर 2 साल से ज्यादा की आपको सजा होती है तो आप इमिडिएटली क्या होते हो, डिस्क्वालीफाई होते हैं, और फिर सजा होने के बाद 6 साल तक आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर क्वेश्चन आए 20 तो ये चीजें हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ, हाँ वो भी देखो डिस्क्वालीफाई वो अलग से आएंगे, मतलब आरपीए के अलावा वो भी आएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा आरपीए बराबर। एग्जेम्पशन पोस्ट उसमें क्या होगा आरपीए में मतलब और डिटेल में दिया होगा, वर्ड मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, डिटेलिंग क्या करते हैं ये भी एक्ट में रहता है ओके, तो याद रखो। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है, 3rd को इलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। एग्जामिनर भी हमसे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा है, तुम ध्यान से पढ़ो और जो ऑब्वियस रॉन्ग दिख रहा है ना बस उसको आइडेंटिफाई करो। वो एक्सपेक्ट ये नहीं करता कि ये पूरा एक्ट तुमको पता रहना चाहिए, कितने बार अमेंड हुआ वो नंबर याद रखो, नहीं, जो आपको मतलब ऑब्वियस है कॉमन सेंस से आपको रॉन्ग दिख रहा है उसको निकालना है ठीक है। ऑप्शन उसी तरीके से उसने फ्रेम किया है, देखो 3 निकाल दिए तो आंसर आ रहा है, तो वो मतलब इतना काम हमारा आसान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 50, अंडर विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन The transfer of tribal land to the private parties for mining be declared null and void? Tribal land की बात करें तो schedule की बात करें, tribals से related schedule कौन सा है? 5 और 6 है, और option में क्या दिया है? 5th दिया है, तो answer हमारा 5th रहेगा। देखो 5th schedule है और एक supreme court का judgment भी है, सामंता judgment बोलते हैं okay। सामंता judgment में supreme court ने क्या बोला है, ये 1997 का judgment है, ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग वॉज नल एंड वाइड अंडर द 5th शेड्यूल ओके, ट्राइबल लैंड को नहीं दे सकते आप प्राइवेट पार्टीज को ओके, इसके लिए तुमको कंसेंट ऑफ ग्राम सभा वगैरह ये सारी चीजें चाहिए ओके। तो इस तरीके से हमारे ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, बचे 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ओके।